वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, फुकरा इज बैक। जी हाँ, टास्क में 2 से 3 बार ये डालता है कुछ ना कुछ, और जो भी डालता है तबाही डालता है। तभी तो इस बार तो इसने जिया की आंख नाक सब एक कर दी। इतने आंसू निकलवाए कि जिया की हालत खराब होती जा रही है। लग रहा है कि 3 घंटे पूरे होने से पहले ही जिया उठ जाएगी। क्या किया और ऐसा क्या डाला अभिषेक ने, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अभिषेक बहुत देर से बैठा हुआ था और ये देख रहा था कि आखिर जिया के साथ ये दोनों लड़कियां इतना टॉर्चर जो कर रही हैं, क्या ये उठ पाएगी। वेल, जिया तो टस से मस नहीं हो रही थी, जिसके बाद अभिषेक एक बार में उठा और उठ के गया किचन और बाथरूम में। ऐसे में इसने बनाया जहरीला मिक्सर, जिसमें अंडा, आफ्टर शेव और जेल को मिला दिया और लेकर आया इस मिक्सर को और जिया के चेहरे पर जैसे ही लगाया, जिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। जिया चिल्ला रही है ओफाक ओफाक, और उसकी हालत हो रही है खराब और कह रही है कि अभिषेक, तेरी असलियत इस टास्क में बाहर आ रही है। जिया बार बार कह रही है, तूने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी, और अभिषेक कह रहा है, मैंने तेरी आंखों में मिर्ची डाली ही नहीं। और ऐसे में जिया ने कहा कि अगर तू यहाँ बैठा होता तो मैं इस हद तक कभी नहीं गिरती। जिस पर फुकरा ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, सुन, जब मैं बैठू ना वहां पर तो जो मन करे ना वो डालियो, मैं तुझे रोकूंगा नहीं और कुछ कहूंगा भी नहीं, और मैं ऐसा हूं नहीं कि किसी की आंखों में मिर्ची डाल दूं। फिजूल में तू जिस तरह से इस चीजों को बोल रही है, इतना इविल तो मैं अभी तक हुआ भी नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तेरे साथ जितना तू ओवर रिएक्ट कर रही है। ऐसे में जिया ने रोना पिटना शुरू कर दिया और कहने लगी कि जो मैं कर रही थी कैप्टनशिप टास्क के बाद, और उस दौरान जब मैंने राशन बांटा था तो लोगों को वो बुरा लग रहा था, लेकिन अब ये क्या है, तुम लोग कितने बुरे होना सबको दिख रहा है। मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं किया था, तुमने तो हदें पार कर दी। खैर, अभी तक तो जिया ने हदें पार होती हुई नहीं देखी है। हमने तो इस टास्क में लोगों के मेकअप के टुकड़े तक होते हुए देखे हैं, अभी उस लेवल तक तो ये घर वाले पहुंचे भी नहीं। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।